तूने तूने बंगला जो डाल लगा था ना उसमें भांग की जैसा लगा आज ये बिल्कुल अपनी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे गुसाई फैमिली ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है सुबह के 10 बजे से। और आज हमारी श्रीमती जी यानी किरण बना रही है पकौड़े दाल के, जिसे जो गांव गारम बोलते ना सूटक, तो सूटक बढ़ नीचे आज पकौड़ी। तो अभी तैयार मसड़ तैयार कर नीचे, मसड़ तैयार करने के बाद अब पकौड़ा बनाना है, तैयारी करनी पड़ेगी। हो गई तेरी तैयारी? और नानू जा चुका है स्कूल, कुणाल की आज छुट्टी है, और ये दोनों हमारे चिंट और चेरी दोनों अपनी पोजीशन में, इनको लगी है भूख। फिश एक्वेरियम में मैंने दाना डाल दिया है, उनको भी मैंने खाना दे दिया है, अब हमारी बारी खाना खाने की है। तो अब मैं हाँ तो अभी मैं दिखाता हूँ किरण बना रही है दाल के पकौड़े, और वो क्या क्या तैयारी कर चुकी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज बन रहे हमारे दाल के स्पेशल, तो इधर तो सूटों के पकोड़े बना रही है आज ये। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। और ये है दाल, जिस दाल के इसके पकोड़े बना रही है आज। इसको सोयाबीन तो बोलते हैं यार, सोयाबीन तो है ही, हिंदी में गढ़वाले बोलते हैं सूटे। ये लाए थे हम गुमखाल से लेके आए थे, आते वक्त गांव से जब हम शादी से आए थे। आ जाओ दोस्तों पकोड़े खाने। दोबारा बोलियो, दोबारा बोल, क्या बोले दोस्तों को? आ जाओ, मैंने कहा पकोड़े खाने गर्मा गर्म सर्दियों में, गर्मा गर्म पकोड़े और चाय और चटनी। अब जो चाय भी रख दो उधर से। चाय रखूं? चलो ठीक है दोस्तों, मैं बनाता हूँ चाय, उसके बाद आपको दिखाता हूँ पकौड़ों कलर कैसे आया है। गाड़ी भी आज सुबह सुबह नहा दी है मैंने, साफ सूफ करके। हाँ चेरी, क्या हुआ? क्या हुआ, इसने खा लिया खाना? चिंटू खाने के लिए चिंटू के पास जा रही है ये चेरी, बहुत बिगड़ गई। चिंटू खाना खा जाती है भाई, कल इसने क्या करा, चिंटू का सारा खाना खा दिया, और उसके उल्टियाँ करनी चालू कर दी इसने ज़्यादा खाना खा के। उड़ती तो टाइट नहीं हो जाती वो भी थोड़ा, वो तो वही उड़ती दाल तो गैस में बनाती है, इसकी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये हमने पहली बार बना रहे हैं आज। अच्छा? इस दाल की तो बनाए पहली बार बना रहे भाई, पहली बार नहीं। अच्छा तो तूने बताया कि दाल की पता रहता है कि क्या? तो तू बता ही हमें ना कि दाल की है। चाय भी रख दी है, तब तक चाय भी बन जाएगी। चलो आप नाश्ता करो। ये देखिए ये मशीन की रहेगी, देख। तो दोस्तों मेले तो हो गए हैं पकौड़े रेडी, और अब मैं डालता हूँ इसके साथ सॉस। अरे ये क्यों रख रखा है यहाँ पे, ये रख उधर। हाँ, और ये डाल दी इसमें केचप। अरे तू एक्सपायरी देख के आया था इसमें? अच्छा, और शुगर फ्री। ओके, अब टेस्ट करके देखता हूँ कैसे बना रखी है इसने। नमक भी टेस्ट करता हूँ। एक नंबर। क्या भंगुल? इसमें गांव का हमारा जो भंगुल जो वो भी डलनी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? उसको देखो, नहीं देना इसको, दोनों के दोनों
ये नहीं मत दियो, मत दियो यार, ये बेकार तला हुआ है। नहीं रोटी खाई ना। कैसे हो रहे हैं तूने बनाए जो? नहीं खा लो। तो ये खाने भी नहीं देते जो। क्या हुआ, खुद का नाश्ता कर लिया ना, खा लिया ना खाना? नहीं रो ऐसे रही जैसे पता नहीं कितनी भूखी होगी। मत दे किरण, मत दे, मत दे यार। यार मम्मी आपको समझ, बस अब नहीं दे रही, देखती क्यों। इनको ले जाओ अपना, लो पजा, चलो उठो जाओ, धूप में बिठा दियो ऊपर। गो बाय बाय चिंटो जेरी। तो फिर दिन में क्या बनाएंगे आप? सुबह का तुमने खिला दिया। राम भगवान, पहले मुझे सुबह का नाश्ता तो करने दो। एक मिनट ले लूं, आज दिन में बनाएंगे पुलाव। तो नाश्ता भी कर लिया हमने और अब मैं करती हूँ अपना काम, थोड़ा बहुत काम बचा है उसको निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक आप बनी रहिए हमारे इस ब्लॉग में। और इनको लग गया है पकौड़ों का नशा, पकौड़े खा के गहरी नींद में। इसने भंगला डाल रखा था, उसमें भंगले से हो गया नशा। उसमें भंगला भी डाल रखा था ना, बहुत महंगा। तो उसे नशा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। भंगला नहीं डालना चाहिए था, उससे नशा हो रहा है बहन। तो चलो तुम पकोड़े पचाओ अपने, ठीक है, तब तक, और हम करते हैं अपना काम। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 12:30, काम भी सारा हो चुका है मेरा, और यहाँ लोगों को पकोड़े खा के ऐसा नशा लगा कि लोग अभी सो के उठ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने काटे हैं माल्टे, मैंने कहा खाना खाने से पहले थोड़ा माल्टों का आनंद लिया जाए, थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं खाना, पहले हम यहाँ पे माल्टे खाते हैं। एक एक दो दो चार चार रोज खाओ, जब ला रखे इतनी मेहनत से, इतनी दूर से, इतनी दूर से तो खाने भी हैं। मैं तो जा रही हूँ इसको धूप में लेके, धूप में खाऊंगी। कहाँ धूप में, मेरे को चम्मच दे। जाओ तू जाना, मैं नहीं आ रहा धूप में। इसने मुझे मलाई छोलने का काम दे दिया है। तेरी मक्खन लगाओ, अब बताओ, तब कहती है मैं काम नहीं करता। सावास किरण गुसाई, सावास, छोल दे हिम्मत मर्दा, मर्द दे खुदा। अब तक तो मैं छोल रहा था इस मलाई को, लेकिन मैं, मेरे हाथ बहुत थक गए थे। तो अब आई है बारीक किरण की, तो वो बड़बड़ाते हुए छोल रही है। इतना सा काम नहीं कर सकते दो। तो दोस्तों दिन के बज गया है 1:30 और अब बना रही हूँ मैं खाना, और आज खाने बना रही हूँ मैं पुलाव, क्योंकि आज सुबह पकौड़े भी खा लिए थे, उसके बाद माल्टा वगैरह भी खा लिया था, तो थोड़ा खाने का मन आज कम ही हो रहा है। तो हल्का फुल्का, हल्का तो खैर क्या है। तो ये काटे हैं मैंने गाजर मटर आलू, सब कुछ काट के रखा है, और ये चावल भिगा रखे मैंने। तो अब बनाती हूँ मैं पुलाव। तेल हो गया गरम और अब इसमें डालते हैं प्याज। सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको थोड़ा भून के मसाले डाल के तब डालूंगी इसमें चावल। तूने भंगला जो डाल लगा था ना, उसमें भांग की जैसा लगा। आज ये बिल्कुल अपने भांग के, उससे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आज ये अपना आसन छोड़ दे रहे, बिल्कुल बैठे हैं आज तपस्या में। अरे अभी खाना भी बन रहा है, खाना खा के सोना, ठीक है, फिर सो जाना। तो बोलेंगे पकोड़े खाए।